क्या आप भी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, बार बार हार जा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं, थक सा गए हैं बार बार असफल होकर, तो मेरे दोस्त उठ तैयार कर खुद को फिर से देख, क्या कमी रह गई सुधार कर, फिर से लगा दे इस बार जोर ऐसा कि लोग बनना चाहे तेरे जैसा। तो मेरे दोस्त आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कामयाब लोगों के कुछ किस्से सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने भी कई बार असफलता का मुंह देखा, जिन्हें भी कई बार रिजेक्शन मिला पर वो नहीं रुके, उन रिजेक्शन के आगे कभी नहीं झुके, बार बार कोशिश की और आज अपने सपनों को पूरा कर करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसके स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से ये कहकर निकाल दिया गया था कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर देखते हैं। इसने अमीरी से गरीबी तक का सफर देखा, इसके आवाज की वजह से ही कई बार इसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया वो फेल हो गया, इन्होंने दूसरा एल्बम लॉन्च किया वो भी फेल हो गया, पर इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपना तीसरा एल्बम लॉन्च किया जो सुपर डुपर हिट रहा। ये होता है जिद अपने पैशन के लिए, ये होता है पागलपन अपने सपनों के लिए। ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की है जिन्हें दुनिया शकीरा के नाम से जानती है, जो आज वर्ल्ड के वन ऑफ द फेमस सिंगर हैं। चलिए एक और कहानी की ओर चलते हैं। एक बंदे ने एक कॉफी शॉप का सपना देखा पर इसके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इन्वेस्टर से मिलना शुरू कर दिया पर कोई लोग तैयार नहीं हुए। लगभग 250 इन्वेस्टर ने इन्हें मना कर दिया पर फिर भी ये नहीं रुके, फिर से ट्राई किए और इन्हें एक इन्वेस्टर मिला, जिसके बाद इन्होंने अपनी सफलता का वो मुकाम हासिल किया जिसे आज हम एक ब्रांड स्टारबक्स कॉफी के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक और ऐसे ही कहानी की ओर चलते हैं। बीटल्स बैंड जो आज दुनिया के एक लेजेंडरी बैंड है, जिन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए हैं, शुरुआत में जब वो डेका रिकॉर्डिस्ट के पास गए तो उन्होंने बीटल ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि तुम्हारे गिटारिस्ट कभी लय में रहते नहीं हैं, तुम लोग ऐसे कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, बेकार कोशिश है तुम्हारी। ऐसे ही कई रिजेक्शन इन्हें मिले पर आखिर सक्सेस को भी इनके आगे झुकना पड़ा। एक ऐसे ही कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जिन्होंने बचपन में ही महान फुटबॉलर बनने का सपना देखा, पर फुटबॉलर बनना इनके लिए इतना आसान भरा रास्ता नहीं था। 10 साल की उम्र में इन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक बीमारी हो गई, जिसके चलते इस लड़के का हाइट और बच्चों से कम था। इसके कम हाइट के चलते कई बार इसे फुटबॉल टीम से निकाल भी दिया गया पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने टैलेंट से अपनी मेहनत से सबको अपना फुटबॉल खेलने के अंदाज का दीवाना बना दिया। ये लड़का कोई और नहीं, कई बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर्स और 6 बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले महान फुटबॉलर मेसी, लियोनेल मेसी हैं। अंतिम और लास्ट कहानी एक ऐसे इंसान की है जिस इंसान के 22 साल की उम्र में उसकी मंगेतर की डेथ हो गई, जिसने कई बार बिजनेस को ट्राई किया पर सक्सेस नहीं रहे। इन्होंने लगातार 7 बार इलेक्शन हारे और 8वीं बार में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इलेक्ट हुए। ये जुनूनी बंदा कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन थे। तो ऐसे होते हैं सक्सेसफुल लोग, ऐसे होते हैं अपना नाम इतिहास में लिखाने वाले लोग जिन्हें रिजेक्शन असफलता डिगा नहीं पाती, कामयाबी को भी झुकना पड़ता है उनके आगे। तो आपके आगे भी कामयाबी झुकेगी, बस आप मत झुकना अपने हालातों के आगे, अपनी मुश्किलों के आगे, मत डरना रिजेक्शन से, फेल्योर से, तो ये दुनिया एक दिन आपको भी सलाम करेगी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और एक पावरफुल वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।